हाय फ्रेंड्स, सईदा की दुनिया में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो। आज मैं चने की घुघनी बना रही हूँ। घुघनी के लिए रात में चने भिगो दें ताकि चने अच्छे से फूल जाए। पहले प्याज को काट लें, कट कर लें प्याज को। उसके बाद कुकर में तेल डालें। तेल डालने के बाद उसमें कटी हुई प्याज डालें। कटी हुई प्याज को ब्राउन हो जाए तो उसको फिर उसमें चना छोड़ दें। चने छोड़ने के बाद थोड़ा सा उसको चला लें। चलाने के बाद उसमें फिर लाल मिर्च डालें, हल्दी डालें, काली मिर्च डालें और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें और थोड़ा सा उसको खूब भूंज लें। थोड़ा उसको भूंज करके फिर पानी डाल के सीटी लगा दें। जब तक कुकर सीटी ले रहा है, जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुकर सीटी ले चुका है, 3-4 सीटी हो जाए तो फिर उसको बंद करके उसको भूंज के फिर निकाल लें। चने की घुघनी तैयार हो गई, रेडी। अगर इसमें पानी हो तो उसको पूरे सुखा अगर ले। आपको धनिया पसंद है, धनिया कटी हुई पत्ती डाल लें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।